गाइस आज मैं करने जा रही हूँ अपने फेस का फेशियल। आप देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत टैनिंग हो गई है और मंथली हर फीमेल को फेशियल लेना ही होता है, जैसे जो ज्यादा मेकअप करते हैं या बाहर ज्यादा जाती है ऑफिस जाती है, बट मेरे ख्याल से सभी को मंथली फेशियल लेना ही चाहिए, स्पेशली फीमेल। तो गाइज मैं दिखाती हूँ आज मैं अपने फेस पे क्या कराने वाली हूँ। गाइज ये हमारा फर्स्ट स्टेप है रिंस। ये स्किन को बहुत अच्छे से, जैसे हमारे हम डस्ट से पोल्यूशन से हम आते हैं तो ये हमारी स्किन के सारे डस्ट को बाहर निकाल देता है स्किन से। आप देख रहे होंगे मैम का फेस पे कितनी बहुत ज्यादा टैनिंग हो रही है। सेकंड स्टेप है हमारा क्लींजर। अब हमारा थर्ड स्टेप है स्क्रबिंग, एक्सफोलिएंट स्क्रबिंग। स्क्रब हमें बहुत ही माइल्ड हैंड से करना चाहिए और फिंगर टिप से करना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो चुभते हैं स्किन में, ज़्यादा इसे नहीं रगड़ना चाहिए, बहुत ही स्मूथ हैंड से करना चाहिए। ये स्क्रबिंग हो गई है, आप देख रहे होंगे मैम का फेस। गाइस ये हमारा फोर्थ स्टेप है लिक्विड मैट्रिक्स। ये जेल की तरह होता है, जेल फॉर्म में होता है। हम इसके साथ ये जमैकन सोरल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, आप देख रहे होंगे ये, तो हम इसे मिक्स करके अच्छे से मैश करके इससे हम देंगे एक मसाज अच्छे से। देखते हैं मसाज कैसे होती है। हमने इसमें मिक्स कर लिया है। ये फिफ्थ स्टेप है क्रीम। ये भी हमने लिक्विड मैट्रिक्स में मिला के, जो हमारा वो था पार्टिकल्स थे, हमने उसमें मैश करके ही हम क्रीम मसाज दें। क्रीम मसाज हमें बहुत ही रिलैक्सेशन पॉइंट के साथ देनी है, आप देख सकते हैं। अब हम इनके वाइटेड्स रिमूव कर रहे हैं। ये लास्ट हमारा सीड मास्क है। ये बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं, प्योरीफाई वाटर मिक्स करेंगे। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि इसका जो जेल है वो निकल के आ जाए। गाइस ये गौज पट्टी के साथ में लगाएंगे ये मास्क को। ये लास्ट स्टेप है। इसका रिजल्ट है गाइस। कर रहे हैं, इसका जेल स्किन में अब्सॉर्ब हो गया है और बहुत ही स्किन हाइड्रेट हो गई है, आप देख रहे हैं ग्लो भी कर रहा है मैम का फेस। मैम आपका क्या रिव्यूज है? मुझे सॉफ्टनेस लग रही है स्किन में और देखती हूँ मैं अभी फेस वॉश करके कि क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी साफ बन रही है एंड टैनिंग भी थोड़ी बहुत रिमूव हुई है। तो थैंक यू।